जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जैन भारत की टीम राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर आज जल जंगल जमीन बचाना और आदिवासी के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और विकास के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, किस मांगों को लेकर आज आप लोग धरना पे बैठे हैं। ये झारखंड एक समय में आदिवासियों का राज कहा जाता था, आज वो बात नहीं है। आदिवासी लोग हाशिए पर चले गए और जो सरकार की जो नीति है उस नीति के तहत जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। तो हम लोग का जो मांग है कि जमीन का लूट जो जिस ढंग से चल रहा है इस प्रदेश में झारखंड में, ऐसे तो अलग राज्य होने के बाद तमाम आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी आदिवासियों का कोई विकास नहीं हुआ। आज आदिवासी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको आज कारगर शिक्षा का जो मिलना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। उनके पास पैसे नहीं हैं जो प्राइवेट शिक्षा स्कूलों में जा सके, कॉलेजों में जा सके। हम कह रहे हैं कि इस देश में, इस राज्य में एम्प्लॉयमेंट का मामला जो पड़ा हुआ है, आज 2014 के बाद तो कहीं भी नौकरी किसी प्रकार का नहीं आया, सिर्फ एग्ज़ाम होती है, फिर वो एग्ज़ाम होने के बाद में फिर वो पेंडिंग खाते में चले जाते हैं। 2016 में जितने लोग टेट पास किए हैं आज वो बैठे हुए, उनकी एज एक्सपायर कर रहा है, अब कब उनको नौकरी मिलेगा इसका भी कोई कहीं कोई गारंटी नहीं है। फिर भी वो टेट एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसके बाद हर साल टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन शिक्षक के रूप में उनकी बहाली नहीं हो रही है। आज जो भी आज थोड़ी मोड़ी बहाली हुई है कॉन्ट्रैक्ट में हुई है, आज जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज देखेंगे सरकारी क्षेत्रों में रिम्स में भी बहाली बंद है, लगभग आज एक साल से ऊपर हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिया एक समय में उसके बाद आज बहाली बंद है। और जितने भी सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठान हैं, चाहे धनबाद हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे रिम्स हो, इन जब तमाम जगहों में या जो ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर में है, कहीं भी जो नर्सिंग करके बैठे हुए हैं और वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, उनको उसको शोषण हो रहा है, उनको 12-13 घंटे काम कराए जा रहे हैं, 9-10 घंटे काम कराए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो झारखंड में हम कह रहे हैं कि जो लोग पढ़ भी रहे हैं उनकी भी हालत यह है कि उनको बेरोजगार के रूप में कतार में खड़ा होना पड़ रहा है ना। बहुत सा चीज़ है जो मैन पावर से काम होना चाहिए, जो मैन पावर है, जो लोग हाथ, आज लाखों हाथ बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो बड़े बड़े मशीन के जरिए वो काम हो जाएगा और वो भूखे मरेंगे। मैं जगन्नाथ हो रहा हूँ और आदिवासी संघर्ष मोर्चा के मैं झारखंड का संयोजक। तो आपने सुना कि इनकी क्या मांगे हैं और कैसे ये लोग जल जंगल जमीन बचाना चाहते हैं। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।